हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है कि आपके पर्सन कैसा महसूस करने वाले हैं आपको लेकर। सो पहले मैं ओरेकल मैसेजेस निकालूंगी, बट उसके पहले मैं आई वुड रियली आस्क यू गाइस टू लाइक द वीडियो, क्योंकि क्या होता है एक बार वीडियो शुरू हो जाता है तो आप लोग यू जस्ट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड रह जाता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगा, हर चीज़ मैच नहीं करेगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हर एक चीज़ मैच करे, लेकिन नॉट पॉसिबल क्वाइट अ टाइम। ओके, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दूसरे दो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। आपको अगर अच्छे लगे वीडियोज़ वहाँ पे मैं मंथली रीडिंग्स डालती हूँ, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जनरल लव रीडिंग्स होती है ये, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाह रही थी कि पर्सनल रीडिंग्स मैंने ओपन कर दी है और उसमें मैंने करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स के लिए, पेड रीडिंग होती है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं यहाँ पे कोई भी रेट्स या कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा जिसमें सब कुछ है। इवन मेरे व्हाट्सएप के कैटलॉग में भी आपको सारी चीज़ों के रेट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर नीचे है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल लगेगा ही नहीं क्योंकि बंद रहता है वो नंबर। और मैं और क्या कहना था मुझे, हाँ बस यही कहना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। अब देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसा महसूस करेंगे, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, क्या होने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स, यू वर्सेस देम, ये रीडिंग है। ओके, फर्स्ट मैसेज है, जो हमारा फर्स्ट मैसेज है वो है सीक। तो कहीं ना कहीं विद द सीक मैसेज मुझे लगता है कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो, आपके पर्सन से ढूंढ रहे हो, आपके पर्सन आप में ही ढूंढ रहे हैं, आप दोनों को ही वो जवाब अपने अंदर मिलेंगे। यू बोथ नीड टू सीक इट इनसाइड ऑफ यू, ठीक है। तो मे बी आपके पर्सन थोड़ा सा स्पेस लेना चाहेंगे और सोचना चाहेंगे, एनालाइज करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सारे आंसर्स वो अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, सही गलत का फैसला करने की कोशिश करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्पेंड टाइम सीकिंग व्हाट दे रियली वांट इन देयर लाइफ। ओके, सो फर्स्ट मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीक। अब देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन और कैसा महसूस करेंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा गिविंग एंड रिसीविंग, सो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो अगर मुझे इतना प्यार, इतना अटेंशन, इतना टाइम देते हैं तो मुझे भी देना चाहिए। आप अकेले नहीं हो सकते ना, हमेशा अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हो, हमेशा उनके अटेंशन के लिए उनके पीछे भाग रहे हो। दे नीड टू गिव टू रिसीव। ओके, तो ये फंडा होता है रिलेशनशिप का, अगर वो सामने वाले पर्सन आपको प्यार दे रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा, ये लेन देन का ही यूँ सब कुछ होता है। सो सिर्फ प्यार दे रहे हो और कुछ मिल ही नहीं रहा है उसके बदले में, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। वॉट मोर डू वी हैव इन देयर करंट फीलिंग्स, तो उनको ना इतने आने वाले 48 आवर्स में ये रियलाइज़ ज़्यादा होगा कि मुझे भी प्यार देना चाहिए। जो कुछ किसी चीज़ का, अगर वो आप इनकी तरफ से किसी कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, तो मे बी आई थिंक जिस चीज़ का ये वेट कर रहे थे वो आंसर्स उनको मिल जाएंगे, वो उस चीज़ का फल उनको मिल जाएगा, और जिस वजह से वो आपका जो आपके पास आने का जो समय ले रहे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं वो टाइम अब ख़त्म होते हुए दिख रहा है। एंड फाइनली जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो मुझे होते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो डोंट वरी, आपने जितना प्यार दिया आपको भी मिलेगा, आपने जितना वक्त दिया है आपको भी मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। व्हाट मोर डू वी हैव, या हीलिंग। तो मे बी हीलिंग की ज़रूरत है, मे बी हील्ड नहीं हो आप या आपके पर्सन, तो आपके पर्सन के अंदर भी हीलिंग प्रोसेस होगी, तो उसको होना ज़रूरी ही है। अगर हीलिंग नहीं होगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। अब देखते हैं और क्या होने वाला है आने वाले 48 घंटों के अंदर। वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके ओके, आपके पर्सन के फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे। यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है, आपके पर्सन की इच्छा होगी कुछ नई शुरुआत करने की,
मे बी कोई लव ऑफर इनकी तरफ से आपको आ सकता है या कोई कमिटमेंट ऑफर आ सकता है आफ्टर अ हार्ट ब्रेक. मे बी इनको लगा था मेरा दिल टूटा है, मेरे को कुछ ऐसा मेरे साथ किया गया है जो नहीं होना चाहिए था. एंड आफ्टर हीलिंग, क्योंकि हीलिंग होने वाली है, और आफ्टर हीलिंग दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी यू नो विद अ फुल फोर्स, पूरे इंटरेस्ट के साथ ये पर्सन वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक न्यू लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं. वॉट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके वन मोर कार्ड प्लीज. ओके इतने कार्ड्स नहीं चाहिए. सो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स. अभी तक जो साइंस मुझे दिख रहे हैं वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है. और अभी मुझे एरीज लियो सैज भी दिख रहा है. सो सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मे बी ब्लॉक कर रखा था, ब्लॉक हटाएंगे अपनी एनर्जीज नहीं, लाइक अपनी फीलिंग्स अगर नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे तो अभी मुझे ये पर्सन एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, खुलकर आते हुए दिख रहा है, सामने से एक्सप्रेस करते हुए दिख रहा है मुझे ये पर्सन. सो या दैट इज़ गोइंग टू हैपन. दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस हाउ दे फील फॉर यू, दे आर गोइंग टू शो हाउ दे फील फॉर यू. सो या मुझे ये भी लगा कि ना कहीं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटिव मोड पे भी आ सकते हैं, कुछ झगड़ा, क्लैरिफिकेशन, कुछ आपसे पूछना, आपको बताना, समथिंग लाइक दैट. तो झगड़े भी हो सकते हैं आने वाले 48 घंटों के अंदर. वन मोर प्लीज. ओके तो नेक्स्ट है डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी और नाइन ऑफ कॉइन्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी. मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो के कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है. अगर ये पर्सन अभी तक इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे तो अभी इनकी एनर्जी चेंज होगी. 48 घंटों के अंदर ये पर्सन वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने लगेंगे, एक्सप्रेस करने लगेंगे, अपने तरफ से रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने लगेंगे. सो आपको भी ये दिखेगा, भी आपको इनके तरफ से वो मूवमेंट दिखेगी भी. ओके नेक्स्ट है डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी और एट ऑफ कॉइन्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. मुझे लगता है पैशनेट होने वाले हैं ये पर्सन, लीड लेना चाहेंगे, मे बी डोमिनेटिव एनर्जी में आ जाएंगे, थोड़ा सा लीड लेना चाहेंगे. मैं एक्शन लूँगा, मैं खुद से करूँगा, मैं रिलेशनशिप चलाना चाहता हूँ. इनके तरफ से अगर अभी तक एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे थे तो वही होने वाला है, वही बार बार एनर्जी में पिकअप कर पा रही हूँ कि अभी तक ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे तो अब ये डालने लगेंगे. आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है, आप क्या सोचने वाले हो, स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी मैं देखना चाह रही हूँ. ओके फोर कार्ड्स फॉर योर एनर्जी प्लीज. टू कार्ड्स वन मोर. तो आप भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हो. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी. आप देखिए इस प्रोसेस में आपका भी दिल टूटा है, आप भी, आपको भी बुरा लगा है. आप मे बी आपके लिए भी मुश्किल है चीज़ों को संभालना, बट फिर भी आप जैसे तैसे मुझे बैलेंस आउट चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो. आप भी मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो. आप हील होने वाले हो, आपके अंदर भी हीलिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है 10 of Wands एंड 4 of Wands. तो जहाँ पे चीज़ें बोझ लग रही थी, जहाँ पे चीज़ें आसान नहीं लग रही थी, अब वो चीज़ें आसान लगने लगेगी. मे बी कोई आपको फाइनली कमिटमेंट ऑफर देने वाला है. बिकॉज what दे वॉन्ट इज ऑल्सो प्रॉपर स्टेबल रिलेशनशिप, अ प्रॉपर स्टेबल कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट ऑफर ही आपको ऑफर करने वाले हैं विद दिस 10 of Wands. 10 of Wands की एनर्जी से 4 of Wands की एनर्जी में जाना, दिस इज़ अ रियली न्यू बिगनिंग. ये बहुत ब्यूटीफुल बिगनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में. अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर था घर वालों की तरफ से, फैमिली इशूज़ या समथिंग, वो ठीक भी होगी. ओके दिस इज़ अ मैजिशियन कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी एनर्जी एंड एरीज लियो सैज एनर्जी. मुझे अभी ये पर्सन बहुत मोटिवेटेड लग रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए, एक्शन लेना, ब्लॉक सारे अपने एनर्जीज जो इन्होंने ब्लॉक कर रखे थे उनको अनब्लॉक करना और फाइनली आगे निकल कर आना और चीज़ों को ठीक करना. ओके नो मोर हाइडिंग, नो मोर रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन. वॉट मोर डू वी हैव. ओके सी बहुत ज़्यादा ये पर्सन 48. मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर ना हीलिंग होने वाली है 48 घंटों के अंदर. बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे. आप भी मुझे मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड दिख रहे हो चीज़ों को ठीक करने में. ठीक है आप भी चाहोगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप भी चाहोगे कि आप दोनों के बीच की दूरी मिट जाए, आप भी इनकी तरफ मुड़कर देखने लगोगे, इंटरेस्ट दिखाने लगोगे, जो कि आई थिंक आप पहले से ही कर रहे हो. देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट. ठीक है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी. ओके
नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं आपके पर्सन के, नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। थ्री कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट एक्शंस प्लीज। नेक्स्ट एक्शन फर्स्ट इज फोर ऑफ कप्स। मे बी इनको डर लगेगा शुरुआत में आपको एक्सप्रेस करने में, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया और आपने रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, तो इनको बहुत बुरा फील होगा और वो उस फीलिंग से नहीं गुजरना चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोच रहे कि अगर मैंने इसको बता दिया आई वॉन्ट इट बैक, आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट द रिलेशनशिप, और आपने अगर इनको रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया तो इनको ऐसा फील होगा, देखो इसका मुँह देखो ज़रा, इसको बहुत बुरा लगेगा। दूसरा जो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी और ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में जो भ्रम है, ट्रस्ट इश्यूज है, कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो अब वो आंखों पे पट्टी जो इनकी बंधी है ना, इनको वो निकालनी पड़ेगी एंड तब जाके चीज़ें ठीक होने वाली है। ठीक है, डर जो इन्होंने अपने अंदर बैठा के रखा है सारी चीज़ों को लेकर, वो इनको कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलना पड़ेगा आने वाले 48 घंटों के अंदर। व्हाट मोर डू वी हैव, ओके, डेथ, देयर इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर, इनके फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में, इनके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखेंगे। स्कॉर्पियन एनर्जी है, सो काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेगा इनके ओवरऑल बिहेवियर में, काफ़ी चेंजेस आपको देखने मिलेंगे इनके ओवरऑल फीलिंग्स के अंदर। ठीक है, आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। ये एक एडवाइस की तरह होगी आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है अनफिनिश्ड सिंफनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह है। आपको लगेगा या आपको ये ज़्यादा फील होगा कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट येट ओवर, दिस इज़ एन अनफिनिश्ड सिंफनी, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक बाकी है, चीज़ें बाकी है एक्सप्रेस करना, ठीक होना। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस। अभी तक ख़त्म नहीं हुई है कहानी, अभी तो शुरू हुई है। ठीक है, व्हाट डू वी हैव, टाइम टू गो। तो मे बी किसी किसी के लिए, माइनॉरिटी ऑफ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू, यू हैव टू लीव द सिचुएशन, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मुझे मूवमेंट करना ज़रूरी है, ऐसा सुनाई दे रहा है। आई थिंक यू नीड टू मूव, काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे अटके पड़े हो, यू नीड टू मूव समवेयर, कहीं पर जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप से निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको, यू नीड टू, क्या बताऊँ मैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं पर अटके पड़े हो, आपको उस सिचुएशन से खुद को बाहर अनस्टक करना है। ठीक है, समझ गए। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव प्लीज इन द, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन पावर, आपका इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, आपको ना एक अलग ही लेवल का, यू विल बी फीलिंग मोर इमोशनल इन दिस नेक्स्ट 48 आवर्स, और आपका डे ड्रीमिंग और नॉस्टैल्जिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आपको बहुत कुछ याद आने लगेगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। लाइक आप, अगर ये नॉस्टैल्जिया होता भी है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। इमेजिन करिए, विजुलाइज कीजिए, आपको ये पर्सन अगर अपने लाइफ में वापस चाहिए तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि पॉजिटिव रहिए, इमेजिन करिए, और इमेजिनेशन भी आपकी बहुत पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और होप्स हार रहे हो और इमोशनल डिस्कनेक्ट है सारी चीज़ों से, पॉजिटिविटी नहीं है आपके अंदर, बस सोच रहे हो हाँ हो जाएगा और विश्वास ही नहीं है कि वो होने वाला है, तो ऐसा नहीं करना है। विजुलाइज कीजिए कि आप उस पर्सन के साथ हो, वो आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और वो होने लगेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपके लिए एंजल मैसेजेस। फर्स्ट आए हैं होप्स नहीं छोड़ने हैं, होप्स छोड़ दिए, वो कहते हैं ना उम्मीद से दुनिया कायम है, तो आपको भी होप्स नहीं छोड़ने हैं, होप्स जितना हाई रखोगे चीज़ें उतनी ही ठीक जल्दी होंगी। ओके, द नेक्स्ट मैसेज वी हैव योर इज इंस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मत हारिए, इंस्पायर्ड रहिए, ये लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, मोटिवेशन रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और सब ठीक हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट मैसेज एडवाइस है आपके लिए फ्रॉम लाइफ एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना खुद के लिए जीना या खुद के लिए सोचना कहीं छोड़ दिया है आपने, आपके अंदर की वो शाइन नहीं रही है आपके अंदर, वो एक कहते हैं ना, एक अंदर से ही हमें वो फीलिंग आती है कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके। तो वो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी अगर होगी, लाइफ एनर्जी अगर फ्लो करेगी आपके अंदर, आप ऑप्टिमिस्टिक हैप्पी रहोगे, तो आपके आजू बाजू की चीज़ें इतना अफेक्ट नहीं करती हैं आपको। ठीक है,
आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या है, इंट्यूशन आपका काफ़ी हाई और एनलाइटनमेंट होने वाली है। योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई राइट नाउ इन 48 घंटों में। तो आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग जो भी आपको कहती है वो सही टका 100% सही होने वाली है, तो थोड़ा सा उस पर विश्वास रखिए। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग, तो मे बी आप दोनों शेयर करोगे, कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से। व्हाट मोर डू वी हैव, शिफ्टिंग, तो आपका फोकस शिफ्ट करिए, या फिर आपके लाइफ में कुछ स्टैग्नेंसी आ गई थी तो वो शिफ्ट होने वाला है, आपके सिचुएशन में चेंजेस होने वाले हैं। मे बी आप दोनों में से किसी के इनिशियल्स इनमें से किसी से शुरू होते होंगे, इनिशियल्स होंगे। व्हाट मोर डू वी हैव, ओके। नेक्स्ट इज अर्थ साइन, तो मे बी किसी स्पेसिफिकली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो आप लोग, वृषभ कन्या और इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए मुझे, बस एक चाहिए। जो लास्ट मैसेज है हमारे पास वो है प्रे मोर, तो प्रे करिए, ओके। आपके आंसर्स आपको प्रेयर में मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। पहला है इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म। देखिए मैंने बोला आपको कुछ तो ऐसा होगा स्पेसिफिक कि आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है योर किस कैन हील एवरी ब्रोकन पीस ऑफ माई हार्ट, बड़ी ब्यूटीफुल मैसेज आया है। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है मेरे वजह से रोया नहीं से रोया क्या मेरे वजह से रोया नहीं करो, ओके तो इनकी वजह से मत रोया करो, ठीक है। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारा वो है गिव मी सम टाइम, तो मे बी इनको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए थोड़ा सा। कितना टाइम लोगे भाई, मुझे भूल मत जाना, तो ये कह रहे कि मुझे भूल मत जाना। भूल रहे होते तो ये रीडिंग थोड़ी ना देख रहे होते पहली बात तो, ओके। जो नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, तो ये आपको कह रहे कि यू आर सो ब्यूटिफुल, ओके। वॉट मोड वी हैव, लास्ट मैसेज निकालते हैं अभी, ये बकवास मैसेजेस नहीं चाहिए मुझे, अच्छा मैसेज चाहिए, प्लीज़ टेक मी बैक, आई नीड यू। तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, मे बी इनको डर लग रहा है कि आप इनको वापस नहीं लेने वाले हो, ले लीजिए, ठीक है। एनीवेज़ अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हो रही है, तो लाइक ज़रूर चिपका के जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, ख्याल ज़रूर रखना अपना, ठीक है।